तो कैसे हैं आप लोग सब बढ़िया। सब्सक्राइब मारो अपने चैनल को, मन करे तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जो है वो हम एक बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे, आज मोनेरा का खात्मा कर देंगे, इसका अंत कर देंगे। तो सबसे पहले हम यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है मोनेरा का। अब यू बैक्टीरिया, मैंने बोल तो दिया ना यू बैक्टीरिया पढ़ने जा रहा हूं, तो लेकिन इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जो यू बैक्टीरिया है ये दो शब्द से मिलके बना है, एक है यू और एक है बैक्टीरिया। यू माने ग्रीक लैंग्वेज में दो मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है ट्रू और एक होता है न्यू। अरे जैसे हिंदी में दो अर्थ निकलते हैं, इंग्लिश में दो अर्थ निकलते हैं, वैसे ही इसके दो अर्थ हो जाते हैं ग्रीक के अंदर। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ जो नए बैक्टीरिया हैं, जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, जो असली बैक्टीरिया हैं। आज तक क्या नकली बैक्टीरिया पढ़ रहे थे हम? आरके में इतने सारे पढ़ा दिए। अरे इसका मतलब बेसिक ये होता है कि जो मॉडर्न बैक्टीरियाज हैं, अभी वो हमने आरके पुराने पढ़े थे, याद करो तुम, आरके थे वो, थे कि नहीं? हाँ, तो बेसिकली हम मॉडर्न बैक्टीरियाज पढ़ेंगे अब। ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, इजी है, ये लोग भी बहुत इजी हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, थाउजेंड्स ऑफ तुम्हें बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बट जो यू बैक्टीरिया के अंदर हम लोग जिन पे स्टडी कर रहे हैं वो है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया के अंदर एल्गी? मजाक चल रहा है मेरे साथ, जिंदगी के साथ हाथ धो रखा है मेरा। अरे नहीं नहीं, देखो हम पढ़ के आए हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है बेसिकली ये साइनोबैक्टीरिया होता है। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को भी यही दिक्कत आई थी जो तुम्हें आज आ रही है, उन्होंने इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दिया था। पहले एल्गी में था बट बाद में कहाँ आया? मैं बैक्टीरिया में आया। तो हम आज साइनोबैक्टीरिया ही पढ़ेंगे बिना किसी टेंशन के, तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज तुमको बताता हूं मैं कि जितने भी ये यू बैक्टीरिया हैं मेरे, इन्हें मैंने कैरेक्टराइज किस बेसिस पे किया है? कैरेक्टराइज समझते हो ना? हाँ, कैरेक्टराइज का मतलब तो हम समझते हैं, अच्छे से पता है हमें कैरेक्टराइज का मतलब। तो हमने कैरेक्टराइज किस बेसिस पे किया है ये जान लेते हैं। हमने इन्हें कैरेक्टराइज किया है इनकी सेल वॉल के बेसिस पे। इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो होती है रिजिड, ठीक है, रिजिड मतलब कर्री बोल लो तुम एक तरीके से। इनकी सेल वॉल ज्यादातर मोनेरन्स की बनी हुई होती है पॉलीसेकेराइड। अरे इतना खतरनाक शब्द, हम तो डर गए, हम तो बेहोश हो जाएंगे। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, हर चीज का एक मतलब होता है, तो इसका भी एक मतलब होता है जो कि मैं तुमको बताऊंगा। इनकी जो सेल वॉल होती है पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलके बनती है। देखो, पॉली माने होता है मैनी और सेकेराइड होता है शुगर को बोल देते हैं हम लोग। तो बायोलॉजी में आज से तुम शुगर को पॉलीसेकेराइड बोलोगे। क्या बोलोगे? पॉलीसेकेराइड। अरे सब लोग शुगर बोलते हैं, तुम पॉलीसेकेराइड बोलना, घर में बोलना मम्मी दो चम्मच पॉलीसेकेराइड डाल दो और चमाटा खाना, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड होता है तुम्हारा प्रोटीन। प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे हम जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो ये सब अच्छे से समझेंगे, अभी बस बता रहा हूं जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। और इन दोनों चीजों को हम लोग संग में लिखते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं दोबारा बताओ, क्या लिखते हैं? पेप्टिडो, PEPTI, पेप्टिडोग्लाइकन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, ग्लाइकन का मतलब होता है पॉलीसेक्राइड। अब कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। बेसिकली इसको ग्लूकोज की वजह से पॉली ग्लाइकन बोलते हैं, पेप्टाइड इसके अंदर बॉन्ड होता है। तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे हो मुझे पता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बस बता रहा हूं, अभी टेंशन मत लो, बायो मॉलिक्यूल्स में ये सब डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ एज अ क्या बोलते हैं तुमको रिमाइंडर दे रहा हूं कि आगे ऐसा भी कुछ पढ़ना है। और ये यू बैक्टीरिया जितने भी मोनेरन्स होते हैं वो ज्यादातर पेप्टिडोग्लाइकन के बने हुए होते हैं। अब एक शब्द बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ये नॉन सेल्युलोजिक होती है इनकी सेल वॉल, मतलब इसमें सेल्युलोज नहीं होता। अरे सेल्युलोज किसमें होता है? सेल्युलोज किसकी वॉल में होता है? शायद प्लांट्स की वॉल में होता है या ह्यूमंस की वॉल में होता है, कमेंट करके बताओ। ऐसे प्लांट्स की वॉल में होता है सेल्युलोज, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है यू बैक्टीरिया, और क्या है इस यू बैक्टीरिया में, ठीक है।
ये मोटाइल होंगे, अगर ये मोटाइल होंगे, क्वेश्चन में एनसीईआरटी में लिखा है इफ मोटाइल, मगर इसका मतलब अगर ये मोटाइल होंगे तो ही इनके पास एक फ्लैजिला होगा। कहा होगा भैया? फ्लैजिला। फ्लैजिला समझत है कि नहीं समझत है? देखो फ्लैजिला एक्चुअली होता क्या है, एक तुम्हारा चलने के लिए एक ऑर्गन टाइप में होता है, जैसे हमारे पास पैर होते हैं हम पैरों से चलते हैं, वैसे ही इनके पास फ्लैजिला होते हैं। अरे अमीबा के पास तुमने देखा होगा सूडोपोडिया होते हैं, वो अपने सूडोपोडिया को आगे बढ़ाते चलता है। पैरामीशियम के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ होता है कि नहीं, वैसे ही इनके पास फ्लैजिला होता है। आसान सी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया तुमको? इतना समझ में आया तुमको? आ गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के बेसिस पे हमने इनको कैरेक्टराइज किया है। तो इसके अंदर हम जानेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है? कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है? अरे वो तो है ही। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया के अंदर मोनेरा में आएगा? तो आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी ये ब्लू ग्रीन एल्गी हुई और बहुत सारे तुमको देखने को मिलेंगे, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। यार ये तो मुझे पता है क्लोरोफिल होता है, अरे तभी तो ये हरा होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रीन है, ग्रीन हरा, इसीलिए हरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब आज तक तुम सिर्फ क्लोरोफिल जानते थे, क्लोरोफिल होता है बेसिकली, क्लोरोफिल चार तरीके का होता है, ए बी सी डी। अरे इलेवेंथ में आया हो तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ना, लेकिन अभी ये तुम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे क्लोरोफिल के बारे में, कि प्लांट किंगडम में कितने टाइप का क्लोरोफिल होता है और क्यों होता है, मैं पूरा बताऊंगा। बट अभी सिर्फ तुम इतना समझ लो, ये जो मोनेरन्स होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? रे ए पाया जाता है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अरे जो प्लांट्स में पाया जाता है वही क्लोरोफिल होता है, जो प्लांट्स में पाया जाता है वही क्लोरोफिल होता है। अरे तभी तो लाइफ प्रोसेस में लिखते थे, अरे चैप्टर नंबर 1 10th क्लास कुछ याद है तो, कि बैक्टीरिया, कुछ ग्रीन बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन है वो ग्रीन बैक्टीरिया? ब्लू ग्रीन एल्गी है रे, यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। समझ में आया कि नहीं? अरे बोल यार, आ गया तो चलो, इतना क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सबसे पहले तुम ये समझो, ये जो साइनोबैक्टीरिया हो, तुम साइनोबैक्टीरिया के पीछे क्यों बढ़ गए हो? मैं साइनोबैक्टीरिया के पीछे नहीं बढ़ा हूँ, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ये तीन तरीके से रहते हुए पाए गए हैं, हमारे साइंटिस्टों ने देखा कि ये या तो अकेले रहेंगे, यूनिसेल्युलर होंगे, या तो ये भैया कॉलोनी बना के रहेंगे, होंगे। अरे कॉलोनी में, जैसे तुम कॉलोनीज में रहते हो, एक पूरा मोहल्ला बना के रहेंगे, ठीक है? या तो ये फिलामेंटस होंगे। अब फिलामेंट का मतलब धागा, फिलामेंटस का मतलब धागा, मतलब ये धागे की शेप के होंगे, ये धागे की शेप के होंगे, ठीक है? समझे? फिलामेंट सुना नहीं है तुमने? फिलामेंट धागा टाइप में होता है फिलामेंट। अरे बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, कैसा होता है? वायर शेप में, फिलामेंट, ठीक है? अभी के लिए तुम बस इतना समझो, फिलामेंट का मतलब धागा होता है। जब इसका मतलब होगा तब देखेंगे, अभी के लिए समझने के लिए इतना समझ लो। अच्छा जनाब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और एक चीज बताना चाहूंगा तुमको, जल्दी 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 जल्दी, ये जो है तुम्हें फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, अरे लेक के पानी में तुम्हारा, ठीक है? और ये समुद्र के पानी में, अर्थात मराइन, मैरीन जो भी बोलते हो तुम, समुद्र के पानी में, सी वाटर में भी मिल जाएंगे तुमको, ठीक है? और तुमको पता है ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं। अब मैं इसके आगे का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, एनसीईआरटी में लिखा है टेरेस्ट्रियल एल्गे की तरह रहते हैं। अगर मैंने ये पूरा एक्सप्लेन करने चला गया तो 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और
हमें आगे पढ़ना भी है वैसे भी प्लांट किंगडम में एलगी के बारे में, तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम प्लांट किंगडम में तुमको क्लियर होगा कि ये टेरेस्ट्रियल एलगी में कैसे रहते हैं, ठीक है। अभी तुमको कंफ्यूज नहीं करना है मेरे को, इसलिए मैं तुमको ये बोल रहा हूँ चैप्टर 3 में क्लियर हो जाएगा, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में इसलिए। अच्छा अरे यार तुम अभी समझना है तो देखो ऐसे समझ लो तुम कि तुमने ब्लूम्स देखे होंगे, गंदे पानी में जो ब्लूम्स पैदा हो जाते हैं, अरे बहुत सारा एल्गे और बाकी सब ग्रीन ग्रीन इकट्ठा हो जाता है, उसे ब्लूम बोलते हैं। वो इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या होता है, एल्गे होता है और तुम्हारा ये साइनोबैक्टीरिया भी पाया जाता है उसके अंदर। अरे जब मैं बोल रहा हूँ ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं, खुद अपना काम कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, तो ब्लूम्स तो कर ही सकते हैं ना। हाँ और यार मैं अभी भी बोल रहा हूँ एल्गी में समझना, कंफ्यूज मत करो यार अपने आप को, एल्गी में समझना, अभी बस इतना समझ लो जितना समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है। ये लोग तुम्हारा जो कॉलोनीज होती है ना इनकी, वो कवर्ड होती हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारा फिलामेंट्स की शेप में मान लेता हूँ ये कॉलोनी है, ठीक है, तो ये जो है वो कवर होगी एक जेलेटिनस शीट से। किससे कवर होगी, जेलेटिनस शीट से। या मैं एक पर्टिकुलर उठा लेता हूँ कॉलोनी, मैं एक पर्टिकुलर कॉलोनी उठा लेता हूँ, भाई क्या दिक्कत, क्या है, कोई दिक्कत है, फिलामेंट्स में है ये, मान लो इसकी शेप फिलामेंटस फॉर्म में है, ये फिलामेंटस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ये पूरी कॉलोनी जो है, तुम बोल सकते हो ये कवर होगी एक जेलेटिनस शीट से। किससे कवर होगी, जेलेटिनस शीट से, है ना। या तुम बोल सकते हो म्यूसिलेजिनस शीट से। कौन सी शीट, म्यूसिलेजिनस शीट। थोड़े टफ वर्ड्स हैं, अब बायोलॉजी ली है तो तुमको समझना तो पड़ेगा। जेलेटिनस शीट्स की तरह म्यूसिलेजिनस शीट्स होती हैं, ये बस प्रोटेक्ट करती हैं। और तुम देखोगे इसके अंदर हमें एक चीज मिलती है जिसे हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं इसको। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये जो हेटेरोसिस्ट होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अरे मुझे एक यूजेज मिल गया, किसका यूजेज मिल गया, साइनोबैक्टीरिया का। क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और ये जो हेटेरोसिस्ट है ना, इसे NIF भी बोलते हैं करीब करीब, NIF जीन। अब ये जेनेटिक्स की पार्ट है तो भूल जा, ठीक है, इतना समझ में आया तुमको, इतना समझ में आया। ये नाइट्रोजिनस क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस फिक्सेशन भी करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो तुम, जिनके पास हेटेरोसिस्ट होते हैं, जिन सेल्स के पास, जिन बीजीए के पास हेटेरोसिस्ट होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं तुम्हारा नॉस्टॉक और एना बैना। किसकी बहना, अरे किसी की बहना नहीं, एना बैना नाम है उसका। इससे तुमको वो हॉरर मूवी वाली याद नहीं आ रही है, हाँ हाँ समझ गए तुम, भाई 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 कमेंट करो। अच्छा अब देखो इसके अंदर हम देखते हैं न्यूट्रिशन कैसा होता है, मतलब ये खाना कैसे बनाते हैं भाई। अरे मैं पूरे यू बैक्टीरिया की बात करने जा रहा हूं, सिर्फ तुम्हारा बीजीए की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे यू बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। तो ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो बेसिकली पहला तो इसके अंदर तुम्हारा आ जाता है ऑटोट्रॉपिक, अपना ऑटो चला के खाना पकाते हैं भैया, का करत है रे, ये अपना ऑटो चला के मतलब खुद अपना खाना पकाते हैं, ऑटोट्रॉपिक है। अरे अपना खाना खुद बना रहे हैं ना, बेसिकली दो तरीके से बनाते हैं। पहला तो इसके अंदर होता है तुम्हारा कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक नाम देख के डर गए, वीडियो बंद करने जा रहे हैं हम तो बस। नहीं नहीं, कीमोसिंथेटिक का एक मतलब होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कीमो केमिकल के लिए आया है, सिंथेटिक सिंथेसिस से, जो अपना खाना केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। सर केमिकल के थ्रू तो खर खाना बनता है रे, अरे भाई देखो समझने की कोशिश करो, केमिकल्स के थ्रू तो हर खाना बनता है, बट ये सिर्फ केमिकल से खाना बना लेते हैं। कैसे, मान लो मेरे पास नमक है NaCl, तो ये पता है क्या करेंगे, नमक को तोड़ेंगे किसमें, Na+
Cl माइनस, इसको तोड़ेंगे बेसिकली, बॉन्ड ब्रेक करेंगे इसका, और इसके बॉन्ड ब्रेक होने से जो एनर्जी निकलेगी, अरे जब हम इसको तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हीट निकलेगी। अरे जैसे तुमने देखा होगा घर पे जब पुताई होती है, वाइट वॉशिंग होती है, ये तो 10th में भी एग्जाम्पल था, जब पानी मिलाते हैं कलई के अंदर तो बम 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 वॉल्केनो की तरह आवाजें आती हैं, वो ऐसी अजीब अजीब आवाजें, गर्मी निकलती है उसके अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीट होती है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो हीट तो रिलीज होगी होगी, ये हम पढ़े हैं, ये हमने पढ़ा है, और हम तुम अभी पढ़ोगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में ये भी पढ़ोगे तुम, ठीक है? ठीक है, अच्छा इतना क्लियर हुआ तुमको? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? हाँ हो गया। अब ये चीज तुम एनसीईआरटी में पढ़ लेना कि कौन से केमिकल्स को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, अरे ब्रेक करते हैं, तुम ब्रेक मानो, ब्रेक करते हैं, ऑक्सीडाइज शब्द भी मत घोसो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? जैसे तुम्हारा कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, नाइट्राइट्स हो सकते हैं, अमोनिया हो सकते हैं, ठीक है यार? एटीपी तो प्रोड्यूस करनी होती है अपन को, एनर्जी तो होती है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और क्या होती है एनर्जी के एक फॉर्म ही तो होती है एटीपी। अभी भी डाउट है कमेंट करके पूछ लो, बता दूंगा डाउट है, डाउट बोलो है कि नहीं, नहीं है, चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा तरीका होता है इनके पास, फोटोसिंथेसिस। अब ये पढ़ाने की जरूरत है कि फोटोसिंथेटिक कैसे करते हैं, क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कैसे होता है। यार फोटोसिंथेसिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बच्चों वाली बातें पढ़ाऊं, H2O लेते हैं, सनलाइट के उसमें जाता है ना, फोटोसिंथेसिस हो जाती है। यह पढ़ाना है क्या? नहीं पढ़ाना ना, हाँ ठीक है, चलो आगे चले। फोटोसिंथेसिस तुम समझ गए ना कैसे करते होंगे? अरे यार फोटोसिंथेसिस नाम से पता चल रहा है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है तो फोटोसिंथेसिस तो करते ही होंगे, ठीक है भाई। अब बात आती है, ये होते हैं भैया हेटेरोट्रॉपिक भी। कौन कौन से होते हैं? ऑटो भी होते हैं और हेटेरो भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। देखो हेटेरो माने तुम्हारा होता है अदर, ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब अदर ही होता है, अदर होता है। तो अदर न्यूट्रिशन, और कौन सा न्यूट्रिशन है हमारे पास? तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब किसी और पे डिपेंड रहना रे, किसी दूसरे पे डिपेंड रहना। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, मेरे पास ये ब्रेड का एक पीस पड़ा है, अब क्या होगा, मैं इसको खुले में छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। कौन करेगा इसको डिकम्पोज? कौन करेगा डिकम्पोज? हमने तो यीस्ट पढ़ा था, चलो यीस्ट छोड़ो, यीस्ट छोड़ो, ये फंजाई छोड़ो, फंजाई छोड़ो, सब छोड़ो, मान लो यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया भी तो डिकम्पोज करेगा ना, भोजन पर लेगा ना अपना, तो क्या होगा, कुछ मेरे पास बैक्टीरिया आएंगे, वो इस पर बैठेंगे, अच्छा खाना टेस्टी है, अपने आप को रेप्लीकेट करेंगे, रेप्लीकेट करेंगे और इसको यूज करेंगे, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट है। अरे ब्रेड का एग्जाम्पल छोड़ो, ब्रेड का एग्जाम्पल छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, याद रखना ये डिकम्पोजर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेड का एग्जाम्पल छोड़ो, तुमने घर में दही देखा है, कर्ल बोल लो, अंग्रेज बन जाओ। मिल्क जो होता है, मिल्क हम कर्ल में कैसे बनवा करता है, उसके अंदर हम पुराना कर्ल डाल देता है, बेसिकली हम इसके अंदर बैक्टीरिया डालते हैं, लैक्टोबैसिलस याद होगा और तुमको, तो बैक्टीरिया डालते हैं, तो बैक्टीरिया मिल्क को, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज, उसको एज अ खाना इस्तेमाल करता है और उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, या बोले तो कर्ड में चेंज कर देता है, ठीक है ठीक है ठीक है। दूध के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टिक एसिड होता है, कमेंट करके बताओ, या तो मैंने तुम्हें उल्टा पढ़ाया है या मैंने सही पढ़ाया है, तो आप तुम मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं ये एक बार वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ठीक है ठीक है कि नहीं, आ गया इतना समझ में? अच्छा आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इतना तो समझ आ गए होगे ना, एंटीबायोटिक्स और उस वगैरह वगैरह में इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बैक्टीरिया का, किनका? कर्ड बनाने में और नाइट्रोजीनस फिक्सेशंस में। अब इसके अंदर कुछ होते हैं पैथोजेंस,
जी हाँ, आपने सही सुना, पैथोजन। कहाँ से आया शब्द? अरे यहीं से तो पैथोलॉजी शब्द बना है। अरे वहां पे खून देके आते हैं हम, खून में रतूल ले लो। बड़ी बेकार आवाज थी रोने की, है ना। ब्लड देते हैं हम, और भी चीजें टेस्ट होती हैं। तो पैथोजन्स मतलब जो हमारे लिए हानिकारक हैं, नुकसानदेह हैं, जिन्हें अगर हमने खा लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे तुमने देखा होगा कई सारे होते हैं अपने पास, जैसे अपने पास होता है कॉलेरा। कुछ याद आ रहा है तुमको? बैक्टीरिया में पड़ा था एक कॉलेरा, कौन कॉज करता है? अरे कौन सी शेप होती है इसकी, याद करके बताओ कमेंट में। कॉलेरा और टाइफाइड हुआ है ना, टाइफाइड से तो कितने लोग मरते थे पहले, अब तो इसकी वो बन गई है क्या, टिटनेस। अरे टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाते, हर बार जब लोहे से कुछ लग जाती है या किसी चीज से लग जाती है। बेसिकली ये कुछ ऐसी खतरनाक डिजीज हुआ करती थी जिनका इलाज नहीं था, बट अब हो गया है। सिट्रस कैंकर भी होता है एक, ठीक है। अच्छा तो ये भैया पैथोजिनस भी होते हैं, दो ही बताए थे मैंने न्यूट्रिशन के अंदर। तो एक तुम्हारा मैंने बताया था हेटरोट्रॉपिक और एक ऑटोट्रॉपिक, ठीक है कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं तुमको, है कि नहीं, है ना। हेटरोट्रॉपिक के अंदर तुम्हारा सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों हो जाते हैं। अब ये सेप्रोफिटिक पैरासिटिक क्या होता है, बच्चों वाली बातें हैं। सेप्रोफिटिक माने जो किसी और पे, किसी डेड चीज पे लिव, डेड चीज के अंदर अपने आप को ग्रो करे, और पैरासिटिक मतलब किसी लिविंग इंसान के अंदर पैरासाइट की तरह रहे। अरे बोलते नहीं है, तो भीषण पैरासाइट था, भीषण पैरासाइट था। कौन सा एग्जाम्पल ले लिया, कितना कुछ भी एग्जाम्पल ले रहे हो। अरे पैरासाइट्स होते हैं ना जो किसी इंसान, जिंदा इंसान के ऊपर चिपक जाते हैं। लीच देखी है तुमने, वो पैरासाइट ही तो होती है एक टाइप की, किसी इंसान के अंदर चिपक के उसका ब्लड चूसती है। बड़ी बेकार आवाज है, बड़े बेकार जोक्स है, बेकार जोक्स की बात बाद में। अब देखो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसी वीडियो में अपने को खत्म करना है, इसलिए बता रहा हूं रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ये लोग भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ कैसे होगी, हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, तो सत्य है, जीवन का सत्य है भाई, हर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। देखो बेसिकली ये लोग फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अरे अपने आप को तोड़ लेना, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना, एक मेरे पास था बीच से टूट गया, उसने अपने आप को ब्रेक कर लिया, पूरी प्रोसेस चलती है ब्रेक होने से पहले, और दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, फिजन, ठीक है। हाँ ठीक है, न्यूक्लियर फिजन भी तो होता है, न्यूक्लियर्स को तोड़ा जाता है, न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं। बेसिकली फिजन मतलब तोड़ना होता है ग्रीक के अंदर, ठीक है। अच्छा कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, बुरी कंडीशंस, जब ये लोग फिजन नहीं कर पाते, तो बताइए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। अरे स्पोर्स यार क्या होते हैं, तुमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा होगा स्पोर्स होते हैं, वैसे इनके अंदर भी स्पोर्स, ये लोग जब कुछ फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, और वो जब किसी अच्छे होस्ट के अंदर जाते हैं तो पैदा हो जाते हैं, जब उन्हें खाना वाना मिलता है, तो बात वही है, ठीक है। अच्छा फिर होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ाने जा रहे हैं हम उनको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस का नहीं है ना, प्लांट्स का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का है। जी हाँ, बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सेप्शन है बहुत बड़ा, आ जाओ इधर सुन लो भाई, लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से, खत्म कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये लोग जो प्रिमिटिव तरीका है, मतलब पुराना पुराना तरीका होता है, उसको यूज करते हैं डीएनए ट्रांसफर के लिए। मतलब मेरे पास एक बैक्टीरिया था, एक और बैक्टीरिया था, उसने इसके पास कुछ जीन ट्रांसफर किए। बेसिकली एक तरीके का ब्रिज होता है अभी के लिए, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते ह्यूमन की तरह, एक ब्रिज बना लेते हैं ये लोग। अब तुम बोलोगे क्या इनके पास एफ जीन, बगलाना जीन, फीमेल्स भी होती हैं क्या इनमें? देखो उसके अंदर डीप में मत जाओ, बेसिकली हो सकता है किसी के पास एफ जीन हो, फीमेल जीन हो, दोनों के पास होता है सब जनरली, और इसके अंदर डीप में मत जाओ क्योंकि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तुम्हारा सिर घूम जाएगा इसके अंदर। फिर भी पढ़ना है बता देना, वीडियो बना दूंगा, वरना कमेंट में क्लियर कर लेना डाउट,
वरना मेल कर देना मेरे को, किसी ना किसी तरीके से मीटिंग कर लूँगा मेल पे डाउट क्लियर करने के लिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। फिर आती है माइकोप्लाज्मा, फिर आते हैं अपने पास माइकोप्लाज्मा। कौन आते हैं? माइकोप्लाज्मा। अब ये कौन जनाब है? ये लास्ट चीज है, माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है, दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, नहीं होती है सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ये स्मॉलेस्ट, इसके आगे जो शब्द लिखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग सेल है भाई। इसमें और वायरसेस में लोगों का सिर चकराता है क्योंकि वायरस भी होते हैं स्मॉलेस्ट वायरस, वायरॉइड्स क्या है अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे तुम। स्मॉलेस्ट है क्या? लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। और ये बिना ऑक्सीजन के, मगर अगर मैं इसको किसी बंद डिब्बे में डाल दूं जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो तो भी ये सरवाइव करेगा, जिंदा रह लेगा। ये पैथोजिनस भी हो सकते हैं, ज्यादातर ये पैथोजिनस ही होते हैं रे। पैथोजिनस मतलब पैथोजेनिक बोल लो, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए। और इन पर तो एंटीबॉडीज भी वर्क नहीं करेंगी। क्यों रे, एंटीबॉडीज क्यों नहीं वर्क करेंगी? एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं वर्क करेंगी मेरी? इतनी मेहनत से मैंने डिजाइन की है। अरे इन पर बॉल ही नहीं होती। जब बॉल ही नहीं है इनके पास तो ये एंटीबायोटिक वर्क कैसे करेगी? एंटीबॉडीज अटैच कहाँ पे होंगी? एंटीबॉडीज के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, दिक्कत हो जाती है बहुत। तो ये सब तो हम हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। बस इतना था ये मोनेरा, मोनेरा तुम्हारा खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे प्रोटिस्टा। अरे अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, डर मत, डरो मत भाई। चलो इतना क्लियर हुआ तुमको, समझ में आया? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर कर देना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।